का पिटारा है, वो देख कितना कुछ खुल गया इसके अंदर से। 3 साल बाद काफल खाने का मजा ले रहे ये हैं। आई हमारी नए नवाण काफल। कितने सारे फ्रांसीन लग गए हैं यहाँ पे। देखे 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 देखे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत करती हूँ हिंदी पहाड़ी ब्लॉग में। और अब इस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के 10:30 बजे से। तो दोनों बच्चे कॉलेज चले गए हैं, पति देव रात को आ गए थे तो उन्होंने नाश्ता कर लिया और वो सो गए हैं। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो मेरे इस ब्लॉग में आप ज़रूर बने रहिएगा और मेरे साथ आइए आप लोग नाश्ता कीजिए। आपको मैं शाम को मिलती हूँ। तो दोस्तों शाम के 4:30 बज चुके हैं, तो हम लोगों को कहीं पे पार्टी पे जाना था, तो मेरे हस्बैंड भी साथ ही आएंगे और रास्ते से हमने दीदी को भी ले लिया है। तो हस्बैंड तो मेरे स्कूटी में चले गए थे तो इसलिए वो पहले पहुंच गए, हम लोग पैदल थे तो हम लोग बाद में आ रहे हैं। तो ये है वो छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट जो कि अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा इन लोगों ने इसे डेकोरेट किया हुआ है, पूरा राजस्थानी लुक दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ छोटी छोटी सी कठपुतलियाँ हैं जो बनी हुई हैं पूरा। अभी तो उन्होंने ये ठिकरा लगे अली भाई। तो ये किटी पार्टी में महाराजा जी पति देव लोग ज़्यादा वहाँ रुक नहीं पाए थे क्योंकि दीदी के बेटे का फ़ोन आ गया था, वो गांव गया हुआ है तो वो रास्ते में है, तो इसलिए हम लोगों को भी ही जाना पड़ रहा है। तो फिर वही है, हम लोग जा रहे हैं पैदल, पतिदेव पहुँच चुके हैं स्कूटी से आगे। तो ये है लगभग हम लोग दीदी के घर के रास्ते में पहुँच चुके हैं। आज मैं उनके एक मेम्बर से आपसे मिलाऊँगी, बहुत ही क्यूट और शैतान मेम्बर है दोनों ही। ये घुस गए हम लोग उनकी गली के अंदर। अच्छा हेलो, चलो हेलो, हेलो, अच्छा अच्छा हेलो करो, चलो चलो, अच्छा प्यार भी कर लेंगे, हेलो करो पहले, कालो हेलो करो, हेलो हेलो, अरे वाह, कौन हेलो किया, हेलो देख देख देख, पास कर। अब हाँ दीदी जाएगी। हाँ हाँ गार्ड दे तो सॉरी, मिक्स मिले मिक्स हो जाओ सब भी। ना 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 मैं नहीं जाऊँ, बोलना भाग। चुका दूल्हा का उकर का बड़ू है क्या दीदी? है कद्दू लगो लो खूब है क्या? कद्दू आओ चाहे नहीं आओ पर इन सिकी खाना तो वेगे नहीं पता। ऐसे करेले लगली भी खूब है क्या तेरे पता? मेरे तो अभी छोटी सी करेले लग गई। ये देख, ये मां देखो फ्रांसबीन भी लग गई है दीदी की सगोड़ी में। देखो कितने सारे फ्रांसबीन लग गए हैं यहाँ पे। किचन गार्डन होने से ना बहुत फायदा होता है यार। नहीं सगोड़ी होने से बहुत फायदा होंगे यार, टाइम पास, ये टाइम पास। दीदी ये मैं इधर का फ्रास बिन तो हुई है कि एक टाइम है भुज बड़ी जलती। ये आम एडा है, ये आम एडा है, कह लगा तिला। और यहाँ पे दीदी ने मेरे लिए खूब सारी सब्जी तोड़ ली है पन्नी भर के। और अभी अभी विवेक भी आ गया है, वो अपनी नानी के गांव गया हुआ था, तो अब हम अंदर चल रहे हैं, देखते हैं कि विवेक की नानी देख ले, तो खोल के देख ले क्या दिया हुआ है तेरी नानी ने। जूस होगा, माल्टे का होगा, माल्टे का है ना, एक में माल्टे का है, एक में बुरांस का है। ये देखिए ये लड्डू भी भेजा हुआ है, देखो शादी रही होगी ना पड़ोस में। तो रिवाज है हमारे,
अपने रीति रिवाज नहीं छोड़न चाहना छन मालूम तारा खाए दीदी के देखो शादी से बहुत देखो हाँ ना सुपर अच्छा मायके में लेन देन अच्छा होता है ना तो ये आई हमारी नए नवाण काफल नहीं नहीं बहुत है दीदी इतना मेरे हिस्से की काफल मुझे मिल गए ये देखिए हमारे हिस्से की पूरे तो छक करके खाए होंगे जंगल में चलो कोई नहीं हम भी चख लेंगे भाई गांव से आई हुई चीज और काफल रस है खूब टेस्ट करो अभी पापा कैसा हो रहा है देखो कितने सालों में चखोगे आप ही सच में कई साल हो गए ए बाबा और कौन लाता है वो हर साल जरा बताएंगे आप क्या लाना है इसमें अच्छा तब मिला के खाना है हैं वो उसका लहसुन और हरी काफलों का मजा लिया जा रहा है कैसा हो रहा है बहुत ये देखिए कम से कम दो कितने साल बाद खा रहे हो आप काफल तीन साल बाद काफल खाने का मजा ले रहे हैं ये बढ़िया लग रहा है ना मस्त कुछ याद आया पहाड़ की याद आ गई ये है मेन थैला तो अब खुल रहा है भैया मायके का इसमें क्या है मिर्च लाल मिर्च और क्या है अच्छा लहसुन ये देखिए मायके से कितना कुछ आ रखा है दीदी के यहाँ से ये देखिए वाह ये क्या है ये जखी अच्छा और निकल रहा है जादू के पिटारे से ये आ गया झंगोरा झंगरिया और ये आ गए भट्ट भट्ट नहीं है दीदी हरे भट्ट अच्छा ये आ गए भट्ट अच्छा मेथी ले क्या देख लो मेथी होंगी तो तुम्हारा सगड़ा है आइयो क्या चा अच्छा पाले पुत्रों तो अभी दी चा जखिया चा हाँ ये मिल गया जखिया हमें भी दे बेटे जखिया वहा जरा सी अरे जादू का पिटारा है वो देख कितना कुछ खुल गया इसके अंदर से देखो नानी ने कितना सारा प्यार भेजा हुआ है अपना हाँ हाँ मत खोल उसको मसूर ये मसूर की दाल नहीं होने जखिया दे जरा सी बस जखिया अरे थोड़ा सी ये बाद में तो झंगोरू भी दे रहे खीर बना तो कवर है छछंड बना झंगोरू अरे झंगोरे की खीर बहुत टेस्टी होती है मैं खिलाऊंगी तेरे को कभी बनाऊंगी तो मैं खिलाऊंगी तो ये जखिया हाय ये छो यू जखिया ये तिल छिन कौन तिल छिन यू ये अच्छा तिल ये देखिए तिल भी आ रखे हैं भैया मायके से कितना सारा चीज आ रखा है तिल हाँ बनती है तिल की चटनी ले जाऊंगी भाई नेकी और पूछ जरा डाल यार एक मुठ और डाल दी हरा तुम भी इन छा झिझगना डाल दिया दी मौज को बस बहुत है बस चलो जी ये है मेरी कुटरी ये बंद गई है दो हिस्से हो गए इसके चलो तो दोस्तों यहाँ ले रहे हैं हम काफलों का मजा और अपना ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलूंगी अब आपको अपने अगले ब्लॉग पे तब तक के लिए बाय लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा बाय